हेलो एवरीवन, एचडी फैशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक स्लीव डिज़ाइन जो कि बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत आसान डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम एक पेस्टिंग लेंगे और हमारा इंची टेप जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंची टेप से मेज़र करेंगे जो कि 14.5 इंचेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी स्लीव्स लंबी है। इसके बाद हम पेस्टिंग का सेंटर लेंगे और उस सेंटर से 1.25 इंच मार्क करेंगे। 1.25 इंच का मतलब 1.25। अब हमने जो ये मार्क किए थे ऐसे हम दूसरी साइड भी कर लेंगे और फिर लाइन खींच लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। और पेस्टिंग की चौड़ाई 2.5 इंच है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सेम हम दूसरी तरफ भी लाइन खींच लेंगे। दोनों तरफ लाइन खींचने के बाद हम अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब ऐसी ही सेम साइज की पेस्टिंग लेंगे एक और, उन दोनों को पिन की हेल्प से जॉइंट कर देंगे और जो हमने 14.5 इंचेस लिया था उसके अंदर वाली साइड हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। ऐसे ही हम सेम दूसरी तरफ भी मार्क करेंगे। ये हम इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्जिन चाहिए होगा पेस्टिंग का फोल्ड करने के लिए। अब हम इस मार्क पे एक लाइन खींच लेंगे। अगर आप ऐसे ही डिज़ाइंस वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। मार्क करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारी 2 पेस्टिंग्स हैं दोनों स्लीव डिज़ाइंस के लिए, और अब इसको हम फोल्ड करके इसके सेंटर में कट्स डाल लेंगे ताकि हम इसे आराम से बीच का पार्ट निकाल सकें। कटिंग करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक पे चिपका लेंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग ना हो तो आप बुकरम पे भी कर सकते हैं, बस वो चिपकेगी नहीं, वो सिर्फ आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। इसे चिपकाने के बाद अब हम इसकी 1/2 इंच मार्जिन देके कटिंग कर देंगे। ऐसे ही सेम हम दूसरी भी पेस्टिंग चिपका लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने जो साइड में मार्जिन छोड़ा था अब हम उसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम पेस्टिंग के स्ट्राइप को स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स की सीधी साइड पर सेंटर ले लेंगे स्लीव्स का, और उसके ऊपर ये पेस्टिंग लगा देंगे। पेस्टिंग लगाने के लिए हमारी स्लीव लेंथ है 15.5 इंचेस, तो हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे और अप्रॉक्स अगर सेल्वेज है तो 1/2 इंच, अदरवाइज जितना हमें फोल्ड के लिए मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन हम छोड़ देंगे। पेस्टिंग को पिन से सेट कर लेंगे सेंटर लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेट करने के बाद अब हम जो हमारे पेस्टिंग के अंदर का फैब्रिक है बिल्कुल पेस्टिंग के पास पास सिलाई मारेंगे और पेस्टिंग के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दूसरे पर भी सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कटिंग कर लेंगे सेंटर से कट्स डालकर।
सेंटर से कटिंग करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि हमें जो कटिंग करना है वो एक एक पैर की यानी कि आधा आधा इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग करना है, पूरा कट नहीं करना। और जब आप कटिंग कर देंगे उसके बाद जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसमें कट्स डाल देंगे ताकि हम आसानी से उसे फोल्ड कर सके। कटिंग करने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। हम थोड़ा आयरन की हेल्प से इसे फोल्ड करेंगे क्योंकि ये बहुत कम स्पेस है हमारे पास फोल्ड करने के लिए, तो थोड़ा हम आयरन करते करते इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके फ्रंट साइड पे एक एक पैर की फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम पेस्टिंग की शेप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अभी मैं आपको एक ही स्लीव पर डिजाइन करके दिखाऊंगी। जिस तरीके से ये डिजाइन बन रहा है ऐसे ही सेम दूसरे स्लीव पर भी ये डिजाइन बनेगा। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो हमारा इसके बीच का डिस्टेंस है वो 1.25 इंच आ रहा है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग बीच में क्रिस क्रॉस का डिजाइन देंगे। क्रिस क्रॉस डिजाइन के लिए मैंने कोई और फैब्रिक लिया है, यानी कि उसे कंट्रास्ट में कोई और फैब्रिक लिया है। अगर आप चाहो तो सेम भी ले सकते हो। इस डिजाइन के लिए अब हमें 2 इंच की पट्टी चाहिए होगी, तो हम फैब्रिक को डबल में लेंगे और 2 इंच का मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे सेंटर से अलग अलग कर लेंगे ताकि हम दोनों स्लीव्स के लिए हमें पट्टी मिल सके। अब पट्टी को फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब चलिए चलते हैं मशीन की तरफ और इस पर अब हम 1/2 इंच अप्रोक्स सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे उस और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों पट्टियां रेडी कर लेंगे और फिर उन्हें पलट लेंगे। स्ट्राइप को पलटने के बाद अब हम इसे प्रेस कर लेते हैं। स्ट्राइप को प्रेस करने के बाद अब हम इन्हें 3-3 इंच की कट कर लेंगे। अब एक न्यूज़पेपर लेंगे और उस न्यूज़पेपर पे 2 इंच का सेंटर ले लेंगे, यानी कि 1 इंच। 1 इंच लेने के बाद उस सेंटर से हम 1/4 इंच का मार्क करेंगे, यानी कि सेंटर हमारा होगा 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम। और दोनों तरफ अगर आप 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम और 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम प्लस करेंगे तो ये 1/4 इंच हो जाएगा। तो यही हमें पूरी स्ट्राइप पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हम दोनों तरफ लाइन खींच लेंगे।
फिर उसके बाद हम जो हमारे स्ट्राइप है उसमें एक एक इंच की लाइन खींचेंगे। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा क्रिस क्रॉस का सेंटर है वो इक्वली बैठे। ऐसे ही हम पूरे न्यूज़पेपर पे मार्क कर देंगे। पूरे पे मार्क करने के बाद अब हम इसके सेंटर में क्रिस क्रॉस लगाएंगे। एक एक करके क्रिस क्रॉस लेंगे और एक तरफ सिलाई लगाते रहेंगे। इससे कि क्या है कि हमारे ये क्रिस क्रॉस हिलेंगे भी नहीं, और जब ये पूरी एक सिलाई लग जाएगी उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। सिलाई लग चुकी है, अब हम इसे कट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो सेंटर में हमारा सवा एक इंच का गैप आ रहा था, अब उसमें इसको क्रिस क्रॉस को फिनिशिंग की सिलाई के साथ लगाएंगे। इसी तरीके से क्रिस क्रॉस की स्ट्राइप हमारी कम से कम 3 लगेगी। अगर आपकी स्लीव्स छोटी है तो 2 में हो जाएगा, और अगर आपकी स्लीव 15 या 15 के अराउंड है तो 3 कम से कम लगेंगी। जो नीचे एक्स्ट्रा क्रिस क्रॉस हैं उन्हें हम सेकेंड स्लीव के लिए यूज़ कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम पीछे का जो न्यूज़पेपर है वो रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये अभी डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके बाद भी हमें एक डिज़ाइन और करना है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो जो हमारा सेकंड डिज़ाइन है उसमें हमें सेम फैब्रिक चाहिए, यानी कि जो हमने कंट्रास्ट में हमने यूज़ किया था क्रिस क्रॉस के लिए वही फैब्रिक। इसके लिए हमें 3x3 का यानी कि 3x3 का एक स्क्वायर चाहिए, और ऐसे कम से कम हमें 10 से 15 स्क्वायर्स चाहिए। तो ये जो मैंने जो आपको 10 से 15 स्क्वायर्स बोले हैं वो सिंगल स्लीव सिंगल डिज़ाइन के लिए यानी कि सिंगल स्लीव के लिए है। आप चाहो तो इस डिज़ाइन के बिना भी स्लीव बना सकते हो, यानी कि वो क्रिस क्रॉस वाला खाली डिज़ाइन, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आज की भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक की मैंने जितनी भी डिज़ाइनिंग वाली वीडियो डाली है उसमें सबसे लंबी वीडियो यही है। तो इतने एफर्ट के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब इस स्क्वायर को हम अपने अंगूठे की हेल्प से इसे फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसे आराम आराम से फोल्ड करते रहेंगे। जब वो हाफ तक पहुंच जाए तो इसे ऐसे जैसे प्लीट्स डालते हैं ना वैसे फोल्ड कर देंगे। और फिर इस तरीके से करने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे, और ऐसे ही एक एक करके इसके साथ जॉइंट करते जाएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट स्लीव से भी लगा सकते हो। जो बिगनर्स हैं प्लीज़ वो ऐसे ही लगाएं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका होगा आपके लिए। और ये स्पेशली वीडियो बिगनर्स के लिए है ये डिज़ाइन, तो मैं भी इसी तरीके से आ रही हूँ।
ये एक साथ ज्वाइंट हो चुके हैं। अब मैं इसको स्लीव से ज्वाइंट करूँगी। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये थ्रेड से एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा गैप है, तो वो गैप आप थोड़ा आगे कर देंगे तो वो फिल हो जाएगा। और ऐसे ही इनको पास पास लगाते जाएंगे। मैं फिनिशिंग की सिलाई के साथ लगा रही हूँ। जब ये सारे एक साथ लग जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। इस डिज़ाइन के बाद अब जो क्रिस क्रॉस है, मैं उस पर जो छोटे वाले मोती होते हैं वो लगा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।